हरिः ओम्। प्रथमः स्कन्धः अष्टमोऽध्यायः प्रथमः श्लोकः। सूत उवाच अत ते सम्परेतानां स्वानां औदकमेच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सुत जी कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषिगण, जब पुत्र शोक से आतुर होकर के अपने मृत पुत्रों का अंत्येष्टि दाहादि संस्कार करने के बाद जलांजलि देना है और उदकम इच्छताम, अपने पुत्रों को जलांजलि देने की इच्छा से, उनका तर्पण करने की इच्छा से, उनका विधि विधान पूर्वक उत्तर कर्म जो है संपूर्ण संपादित करने की इच्छा से सकृष्णा स्त्रियः पुरस्कृत्य गंगायाम ययुः, द्रौपदी सहित वे गंगा तट पर पहुंचे हैं, गंगा तट पर गए हैं। वैसे तो इस अष्टम अध्याय का सार है परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा परमात्मा करते हैं, माता कुंती भगवान की स्तुति करती हैं और युधिष्ठिर जी के हृदय में शोक आता है। इन सभी मुख्य बातों की इस अध्याय में सांगोपांग विवरणित वृत्ति रहेगी, लेकिन इस प्रथम श्लोक में मृत पुत्रों का तर्पण आदि करने के लिए गंगा तट पर कृष्णा सहित पहुँचे हैं पांडव, यह वर्णन है। हरि ही शरणम।